जनगण मन नम दोस्त, आप क्या घुसखोर हो? नहीं हो ना, तो सिर्फ इस वीडियो का भरपूर मजा लो। मेरे घुसखोर दोस्त, दो सवाल है आपको। आप जो घुसखोर से कमाते हो, उस पैसे को क्या अपने आप को बादशाह को खिलाते हो, अपना फैमिली को चलाते हो, अपने बूढ़ा मां बाप को खिलाते हो? तो सुन लो दोस्त, आप जैसा बुजदिल इस दुनिया में कोई नहीं है। सोचो दोस्त, जिस बाप मां ने आपको खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, इतना काबिल, ऐसा काबिल किया, उसको तुम अपना घुसखोरी का पैसा उसको खिलाते हो? दोस्त देखो, सोचो, क्या खोल लोगे आप इस घुसखोरी का पैसा से? दो चार फ्लैट खरीदेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, दो चार एकड़ लैंड खरीदेंगे, कुछ ऑर्नामेंट, क्या होगा इससे? देखो ना, पुतुराल ने कितना कुछ दे दिया मुफ्त में, इतना बड़ा आसमान, नदिए, पहाड़ों, पर्वत, और देखो समुद्र, और जो तुम हर वक्त लेते हो, ये सांसे तुम मुफ्त में मिला है, और किया चाहिए? देखो दोस्त, क्या हो रहा है ना, जो घुसखोरी का पैसा अपने बच्चों को खिलाते हो, अपने के अंदर तो ईमानदारी तो नहीं है ना, तो क्या होगा? आप जब बूढ़ा हो जाएंगे ना, आपके बच्चे वेट करते रहेंगे कब आपका सांस छूट जाएगा, क्योंकि आपका सांस छूटने के बाद वो जो सब प्रॉपर्टी आपने कमाया, वो तो उस बच्चे को हो जाएगा ना। बच्चे ऐसे ही छूटेगा, क्योंकि आप तो उस बच्चे के अंदर संस्कार नहीं दे सका। आप जैसा अपने बच्चे तो ऐसा ही होगा ना। और देखो, थोड़ा बहुत संस्कार उसको इधर उधर से आ भी जाएगा, तो आप जैसे 10 और 100 आदमी, ऐसा घुसखोर आदमी जब रहेगा ना इस दुनिया में, सांस लेना उस बच्चों का, जिसको थोड़ा संस्कार मिला, उस बच्चों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। सांस नहीं। देखो दोस्त, आप क्या ऐसा सोच रहे हैं इस दुनिया में आप फॉर एवर रहेंगे? अरे 50, 60, 70, 80, 100 आपको तो जाना ही होगा, क्यों ऐसा सोच रहे हैं? और आप ऐसे इस दुनिया में फेविकोल लगा के बैठ के, ऐसा तो नहीं होना ना। तो क्यों ना ईमानदारी से जियो, भरपूर अपने बलबूते से कमाओ, देखो उस कमाई से कितना मजा आता है। देखो दोस्त, आप कुप मंड रखो, कुप से निकालाओ, देखो बाहर का दुनिया कितना बड़ा है, कितना सुंदर है, क्यों अपने जिंदगी को नर्क बनाकर रखा है। स्वर्ग में जियो, दो दिन जियो तो स्वर्ग में, अच्छा तो ऐसा जियो, इस नर्क जिंदगी से, इस पॉइजन जिंदगी, इस जहर जिंदगी से निकल आओ दोस्त। दोस्त देखो, सिर्फ तुम नहीं, आपके आसपास जो अपना दोस्त है, आप जैसा कमाते हैं घुसखोरी से, उसको भी निकाल दो, दिखाओ कितना सुंदर है दुनिया है, इसका मजा तो ले लो यार। नींद आ जाएगी अच्छे से, ब्लड प्रेशर घट जाएगा यार, डायबिटीज नहीं बनेगा, और बड़ा तो बड़ा इस दिल में लड्डू फूटेंगे रे यार। अरे हर दिन लड्डू फूटेंगे, हर घंटे लड्डू फूटेंगे, हर मिनट हर सेकंड लड्डू फूटेंगे। ये सच्चाई का लड्डू है, ईमानदारी का लड्डू है, तो एंजॉय कर यार। क्या क्या करता है तू यार, देखना, जब तुम अच्छा बन जाओगे, तुम्हारा जो बच्चा जो है अभी और आएंगे, उसके सामने भी ऐसा एक दृष्टांत रखना, हाँ हम सच्चाई है, हमारा हिम्मत है, जो हमें कमाया, थोड़ा सा भी कमाया, उस अपने बलबूते से कमाया, ईमानदारी से किया यार। अरे तेरा मरने के इंतजार तेरा बेटा बेटी नहीं करेंगे, तब उसके अंदर संस्कार आ गया ना, मेरा पिताजी ऐसा है,
और तू ऐसा चीटिंग बाज, ऐसा चीटर, ऐसे ब्लाइंड वर्क करता है तो उसको वो तो तेरा ही बेटा है ना, वो ऐसा ही बन जाएगा। वो वेट करेंगे कब तू मरेगा, तो मरेगा तब वो सब संपत्ति उसका हो जाएगा, वो उस संपत्ति भोग करेंगे, ऐसा सोचेंगे। सच है यार, देखना आसपास देख, आसपास देख, ऐसा ही हो रहा है। जो ईमानदारी से कमाता नहीं उसका बच्चा भी ईमानदार नहीं होता, उसका जैसा होता है। अरे सोनियार देखना, वन में हरिन हिरन है ना, हिरन कैसा सुंदर एटमोस्फियर में घूमते हैं, खाते हैं, पीते है ना। और तू देखो सुअर को देख, सुअर वो कैसा गंदगी में जीता है, हिंद गंदगी उसका आसपास गंदगी बना रखता है, वो सुअर का वो यही उसका स्वर्ग होता है। अरे तू सुअर जैसा नहीं जे जीत, नहीं जे नहीं जियो, मनुष्य जैसा जी दो, ह्यूमन बींग्स यू नो। सोचो दोस्त, एक बार सोचो, जो ईमानदारी से चलता है उसको सेना कितना बड़ा हो जाता है, उसका अपने आप में कितना खुश हो होता है देख। और वो तू सब छोड़ दे के तो खुश कर बन गया, अरे हाँ क्या समझ में नहीं आता तेरे को। देखो यार, इस हम जानते हैं ना वो वाल्मीकि को रत्नाकर था, वाल्मीकि बन गया था, क्या बोला था उसका फैमिली। अरे तू जो पाप किया, तेरा पाप के भागीदार हम नहीं होंगे, वो जो पाप कर रहा है, तेरा फैमिली का पाल रहा है ना, वो भागीदार नहीं होगा रे, उपन नहीं, इसमें तेरा विचार हो जाएगा, तेरा बेटा तेरे को खाना नहीं देगा, क्यों तू संस्कार नहीं दे सका उसको। देख ये सच है, सच को मान ले, और अभी भी तू सुधर जा, सुधर जा यार, सुधर जा, नहीं तो तू तो क्या जनगण मनो नमो।